अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए उसके बीच तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर कॉलेज वाला पार्ट में। चलो जंप, 3 2 1 गो। आ गया, बैग लेके कॉलेज जाएंगे। जाएंगे कॉलेज। अरे अरे यार, गया गया गया, पूरा गया एकदम यार। फेटा कैसे? अबे मैं 5 रुपये अगर इनकम हो तो उस पर 170 रुपये, मतलब 165 रुपये का घाटा हुआ आज। चलो ठीक है। सो दीदी को रखने आते होप इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल में। ब्लॉग कर रहा था, पूरा एकदम टेढ़ा हो गया था, जूम हो गया था, क्या हो गया, क्या क्या ना हो गया था, पूरा ब्लॉग ख़राब हो गया। सो फिर से शूट करना पड़ रहा है। चलो चलते हैं घर को। आई होप कि एंगल सही रहे और कोई डिस्टर्बेंस इस बार नहीं आए। सो जूम हो गया था, क्या ही बता यार, जूम को ठीक किया। ये एंगल आई होप कि सही रहे और हम लोगों को वीडियो में इंजॉयमेंट भी होगा। जाने के वक्त, आने के वक्त बहुत सारा रिएक्शन शूट किया, जाने के वक्त भी ट्राई करेंगे, आशा करेंगे वही सारा रिएक्शन मिले। सो वही सब देखेंगे, लाएंगे लेके। जुम्मा बार, जुम्मा के लिए निकलेंगे। सो जुम्मा बार टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। हाकिम को बोला था कि एक साथ जाएंगे, सो 11:30 का वक्त दिया था। और आप लोगों को मालूम है भाई, ब्लॉगर्स का जो टाइमिंग सब घट जाता है भाई। जब मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था इन दिनों, सो ठीक ही आ रहा था। सो मैं सही अपना काम ठीक टाइम पे कर ले रहा था। और भाई यार, ब्लॉगिंग एक क्या बोलते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करना तो सही है, हम लोग बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है सो ब्लॉगिंग के लिए। सो इसी बात में एक लाइक ठोक देना, वीडियो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस वाले मेरा पहला बार ये वाला वीडियो देख रहे हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है और वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन आ जाएगा मेरा सब वीडियो का। सो जाओ 2-3 वीडियो देखो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरा आपका वीडियोज़ के लिए। नॉर्मल मोटो ब्लॉगिंग नहीं करने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ मेरे इन्फॉर्मेशन हो तभी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ आप लोगों को शेयर करने के लिए और मेरे एक्सपीरियंस में ब्लॉगिंग में शेयर करता हूँ, मेरा इतने दिनों का ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस या फिर बोलो आउटफील्ड का एक्सपीरियंस, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस सब मैं शेयर करता हूँ मेरे वीडियोज़ पर। सो वीडियो भाई पूरा देखा करो, वीडियो हार्डली जो मेरा लॉन्ग वीडियोज़ होता है 15 मिनट का या फिर 18 मिनट का वीडियो होता है और शॉर्ट वीडियो 8 मिनट का हो जाता है भाई, पूरा 8 मिनट देखो तो आप लोगों को पूरा वीडियो का इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और जो यहाँ पे एक और चैनल का नाम शो कर रहा है, आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो। सो ये मेरा भतीजे लोगों का चैनल है, सो ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, क्योंकि इसमें जो अपकमिंग वीडियोज आएगा वो यूट्यूबर्स को हराने का वीडियो आएगा। सो एक ही यूट्यूबर्स को 2 बार हराया इन्होंने और वो यूट्यूबर्स का नाम क्या है, यूट्यूबर का नाम क्या है वो देख लेना वीडियो में जाके। सो उसी वजह से ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल और वीडियो उस वाले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। तो ये हम आगे पानीअड़ा मोड़ पे। सो इधर से जाएंगे घर की तरफ और मुझे लगता है मुझे बहुत लेट ही हो गया है, सो इसीलिए भागेंगे अपने बेबी को, एवी को। सो बेबी और एवी में क्या फ़र्क है बताना ठीक से, बेबी और एवी में क्या फ़र्क है। सो चलो हैजार्ड लाइट ऑन कर लेते हैं।
सो हैजार्ड लाइट ऑन करने की वजह से मैं सोचा था कि एलईडी कर लिया था पूरा सेटअप हैजार्ड लाइट का। सो फिर भी बैटरी में प्रॉब्लम आ गया था, उसके बाद बैटरी चेंज करना पड़ेगा। सो नया क्या बैटरी लिया जाए एक्साइड का, तो ज़रूर से कमेंट कर देना स्कूटी के लिए क्या बैटरी अच्छा होगा। सो मैं थोड़ा रिसर्च करके देखा कि M4 बैटरी सही है स्कूटी के लिए। सो आप लोग सजेस्ट करना क्या कौन सा बैटरी अच्छा होगा के लिए, और उसका जो हैजार्ड लाइट वाइट सब एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया है सो उसको ठीक ठाक पावर देने के लिए। फुल बैटरी में फुल ये वाला डायरेक्शन रोड में से मैं काफ़ी फिनिश टू से काफ़ी हद से ज़्यादा मेंटेन किया हुआ ये रूट। सो इन्हें स्टू में जब मैं गया था सो बहुत ही बुरा लगा था और चलाने में दिक्कत बहुत आया था। मिलते कॉलेज वाला पार्ट में सीधे जंप करके। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए उसके बीच सो दिखाएंगे, नहीं तो फिर कॉलेज वाला पार्ट में। चलो जंप 3 2 1 को आ गया। बैग लेके कॉलेज जाएंगे, जाएंगे कॉलेज अभी जाएंगे। सोसाइटी का चैप्टर भाई यार अरे यार गया 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 पूरा गया एकदम यार फेट गया छे पूरा गया यार। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, उसको उठाता फिर भी पानी गिर जाता। सो वो जार फिलहाल तो अभी 150 रुपये में बिकता है भाई। इन लोगों को शायद कम में मिला, लेकिन हम लोगों को जब मिलता है सो वो जार वो 150 रुपये का लेता है। और जार 150 रुपये का और पानी 20 रुपये का, कुल मिला के 117 रुपये हमारे आँख मैंने हमारा देखते हुआ भैया का नुकसान हुआ है। सो इन लोगों का भाई जो बहुत ही कम पैसा मिलता है वो डिलीवरी करने पे, सो पानी डिलीवरी करने पे शायद मुझे जितना दूर पता है 5 रुपये तक का मुनाफा रहता है पानी का दाम को छोड़ के। और उस पर अगर 5 रुपये करके देख पा रहे हो तो नुकसान बहुत ज़्यादा। एक डब्बे में 5 रुपये अगर इनकम हो, ठीक है, एक डब्बे में 5 रुपये अगर इनकम हो तो उस पर 170 रुपये मतलब 165 रुपये का घाटा हुआ। आज कुछ नहीं कर सकते भाई, गाड़ी में था गिरते ही फूट गया था। सो आई होप की वीडियो ऑन रहे जो कांड हुआ इस पर एक थंबनेल दे दूंगा कंटेंट। दूसरों का अच्छा हो बुरा हो सभी हमारा कंटेंट बन जाता है, एज ए यूट्यूबर आप लोगों को मालूम होगा। सो अगर आप लोग बहुत कोई बोलता है ये तो क्या है ये कंटेंट नहीं है तुम कंटेंट बनाया, तो आप लोगों को भाई इंफॉर्मेशन जनरेट करो रिसर्च करो पता चल जाएगा क्या कंटेंट है क्या नहीं है। नेक्स्ट बार जब भी मैं कॉलेज जाऊंगा ना एक दूसरे रूट से जाऊंगा, वो रूट भी मतलब मैं जिस रूट से अभी आया उस वाले रूट से, सो वो वाला रूट भी दिखा दूंगा। वो भी आप लोगों ने देखा है। हाँ यार इस रास्ते पे आके शांति मिला यार, कितना जाम हो रहा था उस वाले रास्ते पे, ट्रैफिक ही ट्रैफिक भाई यार। बाजार के रास्ते पे
नॉर्मली ट्रैफिक लगता है, तो आज के दिन तो बहुत कम ही ट्रैफिक लगा। और रिएक्शन कम ट्रैफिक लगा फिर भी ये वाले रूट पे आके शांति भाई, पूरा एकदम खाली रूट। हर बार जब भी आऊँ इस वाले रूट पे चला के अच्छा ही लगता है, रास्ता एकदम प्लेन और साफ साफ सुथरा रास्ता मिलता है हम लोगों को। तो बोल रहा था किधर मैं बोला कॉलेज। प्यास आ रहा है और खाया भी नहीं सुबह से कुछ, अभी तक कोई भी नहीं है कॉलेज में, मैं अकेला। देखते ऑफिशियल ऑफिस का काम तो हो रहा है। ये 15 अगस्त में जो फ्लैग राइजिंग हुआ था इसका सब ये हमारा है अभी कॉलेज में। ये कौन यार कॉलेज में कुत्ता, तुमका पढ़ने का इधर है क्या? सो गाइस, इधर से मेरा माइक का थोड़ा इशू आ गया था, और बोल रहा था कि ये जो रूम आप लोग सामने देख रहे हो ये वर्चुअल क्लास का रूम है, और इधर जो हमारा प्रैक्टिकल सब एग्ज़ाम पेपर का सबमिट कर किया था, सो इस वाले रूम पे, सो ये वर्चुअल क्लास का रूम है। सो अभी मैं बोल रहा था कि चलो नीचे उतरते हैं और ऊपर वाला सीन बाद में दिखाएंगे, आएंगे फिर कभी दिखाएंगे ऊपर वाला माला। और ये जब हम नीचे उतरते हैं, सो ये सामने देख रहे हो जो डॉगी, सो पहले जो हम कॉलेज में क्लास करते थे तब ये डॉगी नहीं था, सो अभी डॉगी का बसेरा हो गया है, हम क्लास नहीं करते, सो इसीलिए। सो चलो अभी छोड़ के अभी पे चलते हैं। और अभी का स्टार्टिंग का प्रॉब्लम फिर से आ रहा है, सो जो हम बैटरी को चार्ज देने वाले थे उसको फिर भी आ रहा है, जो अभी को बैटरी चेंज करना पड़ेगा। और जो ये सामने वाला दीदी आ रहा है वो पूछ रहा था कि रिज़ल्ट ले लिए, मैं बोला नहीं लिया, सो अभी भी रिज़ल्ट बाकी है लेना हमारा। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर देना मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए। वीडियो इधर ही रखते हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सब बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बी योर मास्क। शबा खैर, साइनिंग आउट ISSD ब्लॉग्स। और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, और मैं वॉइस ओवर इतना ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, अभी एनर्जी पूरा लो है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।